आपको इंग्लिश बोलने में कंफ्यूजन होती है? क्या आप इंग्लिश को बोल ही नहीं पाते? क्या आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं पर आपसे इंग्लिश बोली ही नहीं जाती? अगर हाँ तो दोस्तों यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए 20 इंग्लिश शॉर्ट सेंटेंसेस लाया हूँ उनकी हिंदी मीनिंग के साथ। अब दोस्तों यह सुनने के बाद आप यह सोच रहे होंगे कि लॉन्ग सेंटेंसेस क्यों नहीं, क्योंकि हमें तो इंग्लिश बोलना सीखना है। इंग्लिश बोलना सीखने के लिए हमें लॉन्ग सेंटेंसेस को भी तो सीखना होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका उत्तर होगा कि दोस्तों जब एक बच्चा पैदा होता है तब उसको चलना नहीं आता, वह पहले तो घुटने के बल चलना सीखता है, उसके बाद पैदल चलना सीखता है, देन उसके बाद वो दौड़ना सीख जाता है। इसी तरीके से अगर आप को लॉन्ग सेंटेंसेस सीखने हैं तो फिर आपको छोटे छोटे कदम रखने होंगे। आपको पहले तो शॉर्ट सेंटेंसेस सीखने होंगे, फिर लॉन्ग सेंटेंसेस सीखने होंगे, और अगर आप इन दोनों को सीख जाओगे तो फिर आप दौड़ना भी सीख जाओगे, यानी कि आप फिर इंग्लिश स्पीच भी आसानी से दे पाओगे, आपको इंग्लिश बोलने में घबराहट नहीं होगी। अगर बच्चा जन्म लेने के तुरंत बाद यह सोचे कि मैं पहले दौड़ना सीख जाऊँ तो फिर वह दौड़ना नहीं सीख पाएगा। तो इसलिए शॉर्ट सेंटेंसेस, उसके बाद लॉन्ग सेंटेंसेस, उसके बाद आप इंग्लिश स्पीच को भी आराम से दे पाओगे, आपको इंग्लिश बोलने में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आपका जो पहला सेंटेंस है वो है मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपका भला करे। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। Why are you sad? आप दुखी क्यों हो? How are you? कैसे हैं आप? What is going on? क्या चल रहा है? What are you doing? तुम क्या कर रहे हो? That is too much. यह बहुत ज्यादा है। Walk slowly. धीरे चलो। Have a nice day. आपका दिन शुभ हो। I didn't understand. मैं समझा नहीं। What do you mean? तुम्हारा मतलब क्या है? Do it या do this? यह करो। It will take time. इसमें समय लगेगा। I want some more. मुझे थोड़ा और चाहिए। Look again. फिर से देखो। Tear फाड़ दो। Take one, एक लो। Take another, एक और लो। Don't peek, झांको मत। Eat it, इसे खाओ। Stand up, खड़े हो जाओ। तो दोस्तों यह थे 20 इंग्लिश शॉर्ट सेंटेंसेस, और साथ ही साथ इन इंग्लिश सेंटेंसेस के साथ आपको मैंने उनकी हिंदी मीनिंग भी बताई। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। और दोस्तों साथ ही साथ जो आपने अभी 20 इंग्लिश शॉर्ट सेंटेंसेस सीखे, 20 इंग्लिश शॉर्ट सेंटेंसेस, इनकी प्रैक्टिस करते रहिएगा, जिससे आपको इन सेंटेंसेस को बोलने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ ग्रेट लर्निंग अहेड।